शहर के यशवंत स्कूल के पीछे चल रहे अवैध निर्माण को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने अतिक्रमण अधिकारी राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कॉलोनी वासियों ने मांग की कि पूर्व में भी कार्रवाई की गई लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण चालू है। समाज सेवी जितेंद्र राठौर ने बताया कि जल्द ही इस अवैध निर्माण को नहीं रोका गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। स्कूल के पीछे अतिक्रमण हो रहा है, जो नाजायज गोदाम बनाया जा रहा है, उस विषय में हमने आज यहाँ अतिक्रमण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कॉलोनी वासियों के द्वारा, क्योंकि ये भी बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं और फिर भी वो काम कर रहा है। किसकी सह पे कर रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं, इतनी हिम्मत उसकी पड़ कैसे रही है जब अधिकारी मौके पे जा रहे हैं और फिर काम रोक देते हैं और फिर काम चालू हो जाता है, आखिर कब क्यों किसकी सह है? तो ये हमने आज ज्ञापन दिया है। आज आयुक्त महोदय साहब तो थे नहीं, तो हमने अतिक्रमण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन मिला है, किस तरह? आश्वासन ये मिला है तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उनका सामान ये पहले भी जब्त कर लिया है, उनका बिल्कुल हम कार्रवाई करके लीगल को भेजेंगे और साहब के दस्तखत करके तुरंत प्रभाव से पुलिस भेज के काम करवाएंगे। इस तरीके का और भी शहर में अतिक्रमण देखा जाता है, जहाँ पर कि खुद कैबिनेट मंत्री जाते हैं फिर उसके बाद अतिक्रमण हो जाता है, और आप जिस जगह की बता रहे हो वहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं। शहर में ऐसे बहुत सारे अतिक्रमण हुए, लेकिन जहाँ छोटी सी बात करें प्रशासनिक अधिकारी के सिर्फ बीटों से दिक्कत थी जानवरों के से, तो वहाँ तुरंत ही जो अवैध निर्माण है या जो इलीगल है वो हट जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, ये कांग्रेस का राज है, कांग्रेस सरकार चाहे जो खरीद रही है, आपको पता है, अभी आपको पता है वन राइट्स में हेरो कवर लगे हुए थे, किसी को एतराज नहीं था, एक प्रशासनिक अधिकारी को एतराज था, तो पूरा यूआईटी पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और उनको हटा के आया, जो भी एक न्याय तो था नहीं, पर ये सरकार ऐसी है जो गलत काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। अगर आपने ज्ञापन दिया है और आश्वासन मिला है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति? कार्रवाई नहीं होती है तो कॉलोनी वाले साथ मिलकर एक जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम है?